वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी राहत। टैक्स में छूट का कर सकती है ऐलान। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में की जा सकती है घोषणा। जी हां, वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को मोदी सरकार नए साल का तोहफा दे सकती है। ये तोहफा टैक्स में छूट के रूप में हो सकता है। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम काफी हद तक एक सही विकल्प के तौर पर उभरा है, लेकिन इसके साथ ही कर्मचारियों के कुछ खर्चे भी बढ़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार के यूनियन बजट में घर से काम करने वाले कर्मचारियों को टैक्स में छूट देने की घोषणा की जा सकती है। दैनिक अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण तमाम कंपनियों के कर्मचारी लंबे समय से घर से ही काम कर रहे हैं। देश की कई कंपनियां कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम अब भी करा रही है। लिहाजा वर्क फ्रॉम होम में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने दफ्तर के काम पूरे करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट, पावर बैकअप, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, एयर कंडीशनर जैसे एक्स्ट्रा खर्चे बढ़े हैं। हालांकि वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे कर्मचारियों को कुछ बड़ी कंपनियों ने तो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अलाउंस, रीइंबर्समेंट और असेट भी मुहैया कराया है। वहीं दूसरी ओर अधिकतर कर्मचारियों को ये खर्चे अपनी जेब से ही उठाने पड़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार के यूनियन बजट में घर से काम करने वाले कर्मचारियों को टैक्स में छूट देने की घोषणा हो सकती है।